हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय ब्लॉग। सबसे पहले स्वाधीनता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में। इसके मुख्यतः कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या है इसके और इसका इलाज क्या है, तो देखते रहिए हमारे वीडियो को आगे। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है जिससे दिमाग में असमान तरंगे पैदा होती हैं। दिमाग में गड़बड़ी के चलते इंसान को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। दौरा पड़ने पर दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर लड़खड़ाने लगता है। इस भयंकर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए भारत में हर साल 17 नवम्बर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। मिर्गी रोग दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी यानी विद्युत प्रवाह की गड़बड़ी के कारण होता है। यदि किसी व्यक्ति को मस्तिष्क ठीक ढंग से कार्य ना कर पा रहा हो तो व्यक्ति को मिर्गी का रोग हो सकता है। कई प्राकृतिक उपायों द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। मिर्गी न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर के कारण होता है। मिर्गी का रोग व्यक्ति के द्वारा अत्यधिक नशीले पदार्थों का सेवन करने, मस्तिष्क में गहरी चोट लगने या मानसिक सदमा लगने के कारण भी हो सकता है। ये बीमारी मस्तिष्क के विकार के कारण होती है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर शरीर अकड़ जाता है, जिसे अंग्रेजी में सीजर डिसऑर्डर कहते हैं। मिर्गी के वास्तविक कारण का पता लगाना मुश्किल होता है। इंसान कई कारणों से इस बीमारी के चपेट में आ सकता है। दिमाग पर चोट लगने या चोट के निशान रह जाने की वजह से भी अक्सर लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि इसी गंभीर बीमारी, तेज बुखार या कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हृदय रोग की वजह से भी इंसान को बीमारी हो सकती है। किसी भी कारण से हुआ तेज बुखार हमारे शरीर पर बुरा असर डाल सकता है, इससे हमें मिर्गी भी हो सकती है। एपिलेप्सी 35 साल से ज़्यादा उम्र के लोग अक्सर स्ट्रोक की वजह से इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। ब्रेन में एक खास हिस्से तक ब्लड सप्लाई के बंद होने पर स्ट्रोक की समस्या होती है। बीमारी इस बात पर निर्भर करती है कि दिमाग में कौन से हिस्से में खून की सप्लाई बंद हुई है। दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने पर मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। कई बार ब्लड ऑक्सीजन की कमी के कारण दिमाग तक पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। ऐसी कंडीशन में एपिलेप्सी मिर्गी का खतरा बढ़ जाता। अब बात करेंगे एपिलेप्सी के सिम्टम्स के बारे में। एपिलेप्सी के सिम्टम्स: चक्कर आना, शरीर के अंगों में झनझनाहट का अनुभव होगा, श्वास गंध दृष्टि में बदलाव होगा, जटिल आंशिक दौरे, इसमें जागरूकता व चेतावनी की गति शामिल होती है। इसके लक्षण इस प्रकार होते हैं: कई प्रक्रिया नहीं करना, एक ही जगह पर अपनी नजरें टिकाए रखना, एक ही कार को पुनः दोहराना। सामान्यतः यही मिर्गी के जो है सिम्टम्स लक्षण होते हैं। अब बात करेंगे एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के बारे में। वर्तमान में अधिकांश प्रकार की मिर्गी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि सर्जरी कुछ प्रकार के दौरे को रोकने के लिए की जा सकती है और कई मामलों में स्थिति को प्रतिबंध किया जा सकता है। यदि एक अनियंत्रित मस्तिष्क की स्थिति दौरे का कारण बन रही है तो कभी कभी सर्जरी करके उन्हें रोका जा सकता है। यदि मिर्गी का निदान किया जाता है, चिकित्सक जबकि रोकथाम के लिए कुछ एंटी मिर्गी दवाओं की खुराक दे सकते हैं। आमतौर पर मिर्गी के इलाज के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली दवाओं में सोडियम वेलेरनेट वाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज हमने बात की एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में। उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।